साहेबगंज जिले के बोरियो प्रखंड में विशिष्ट पहाड़िया कल्याण पदाधिकारी द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय बंदरकोला, जिसमें छात्राओं के पठन पाठन एवं रख रखाव के लिए सरकार द्वारा लाखों की राशि प्रतिमाह दी जाती है। विद्यालय में कुल नामांकन छात्राएं 248 हैं, लेकिन प्रत्येक दिन छात्राओं को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ समस्या का शिकार हुई थी वर्ग 8 की शीला मालतो। मैं शिखा, ये है मेरा पहाड़िया समुदाय। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? बंदरकोला। अभी पढ़ रहे हैं? क्यों निकल दिया? क्या कारण था निकाला? ताना बोरियो ताना से फोन किया है पुलिस लोग, ऐसे करके हमको निकाले। क्या पुलिस क्या बोला? पुलिस क्या बोला होगा, लेकिन मास्टर बोला कि बोरियो ताना से फोन आया था। तो आप अपनी लड़की को छोड़ने गए थे या लेने गए थे? कहवा छोड़ने के लिए गए। तो क्या बोल रहा था आपको? नहीं रखे। तो आप पूछे होंगे ना क्यों नहीं रखेगा? पूछे की गलती किया है। तो आप पूछे क्या गलती किया? क्या गलती किया है वो भी हमको मालूम नहीं है। तो आपको कुछ नहीं मालूम कि क्यों भगाया लड़की को? हमको कुछ नहीं मालूम क्यों भगाए। हेडमास्टर रविंद्र कुमार निकुंज तो लड़कियों को गंदी नजर से भी देखते हैं। शीला के साथ भी हेडमास्टर ने कुछ ऐसा ही किया था, जिसकी शिकायत उस समय हेडमास्टर से छिपकर साहेबगंज जिले के डीसी एवं पत्रकारों को शीला ने बतानी चाहिए, जिसकी सजा उसे मिली कि उसका नाम विद्यालय से काट कर भगा दिया गया। अच्छा, आपको क्या बोल के बुलाते हैं? डिस्को। क्यों? वो अपने तरफ से रखा सर को बोले थे कि मेरा नाम शीला है, सर ऐसे करके बोले तो मेरा तरफ से डिस्को। अच्छा, आपको डिस्को को भी नाम रखे हैं क्या? डिस्को। अरे काम वैसा वो करती है ना, काम वैसा करती है कि क्या बताया जाएगा, और कोई बात नहीं है। विद्यालय में सभी शौचालय खराब हैं और उन्हें रात के समय बहुत परेशानी होती है। सभी लड़कियां शौचालय शौच के लिए विद्यालय से बाहर जंगल की ओर जाती हैं। आप लोग कब से बाहर जा रहे हैं बाथरूम के लिए? बहुत दिन हो रहा है, हम इधर एडमिशन किए थे उसी दिन। कब हुआ आपका एडमिशन? एडमिशन 2009 में। तब से आप बाहर जा रहे हैं? हाँ। अच्छा, आप लोग नहाते कहाँ पर है? उधर चप्पल में नहाते। नहाने का बाथरूम बना हुआ नहीं है? नहीं। तो खुला में नहाते हैं? हाँ, खुला में नहाते। तो वहाँ पर मतलब कि और मास्टर लोग वहाँ पर रहते हैं तो उधर ही नहाते हैं? मास्टर भी देखता है कि बाथरूम होता है तो बाथरूम में नहाते हैं, लेकिन बाथरूम भी नहीं। वर्ग 10 की छात्राओं से मैट्रिक की परीक्षा में अच्छे नंबर से पास कराने के लिए हेडमास्टर प्रत्येक लड़कियों से प्रत्येक वर्ष 1,000 से 4,000 रुपए तक वसूलते हैं। अच्छा, अभी आप 10 क्लास में तो कुछ पैसा भी ले रहा है क्या पास कराने के लिए? हाँ, 1,000 का ले रहे हैं। कौन लिया था? 150। पहले भी लेते थे? हाँ, पहले 3,500 करके लिया था, लेकिन इस साल 1,000 करके लेते हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि शीला मालतो एवं अन्य छात्राएं मेरे समुदाय की हैं, इसलिए मैं और विद्यालय की सभी छात्राएं यह चाहती हैं कि प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार निकुंज एवं छात्रावास अधीक्षक अरुण कुमार अकेला द्वारा शीला एवं अन्य लड़कियों पर जलील हरकत के आरोप एवं विद्यालय के आवंटन में घोटाले के आरोप में कानूनी कार्रवाई करते हुए दोनों शिक्षकों को विद्यालय से हटाया जाए। इसलिए आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से मेरी अपील है कि साहेबगंज जिले के उपायुक्त श्री उमेश प्रसाद सिंह को मोबाइल नंबर 9431152021 पर फ़ोन करके सारी समस्या को बताएं एवं विद्यालय के लिए प्रधानाध्यापक एवं छात्रावास अधीक्षक एक महिला की मांग करें, ताकि छात्राओं को अपनी समस्या एक महिला शिक्षक के सामने रखने में कोई परेशानी ना हो।
मैं शिखा कुमारी पहाड़िन जिला साहेबगंज झारखंड से इंडिया अनहट के लिए।